किसी घर में किलकारी की आवाज सबसे मधुर आवाज होती है और माँ के लिए उसके बच्चे की आवाज होती है। माँ और शिशु का रिश्ता अनमोल होता है। बच्चे की देखभाल के लिए कौन सी बातों का खास ख्याल रखना होता है, आज हम आपको नवजात शिशु की देखरेख के बारे में बताते हैं। माँ का दूध। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। माँ का दूध ही बच्चे का पहला आहार होता है। ये बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है। हर माँ को चाहिए कि वो स्तनपान करवाए, जिससे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बना रहे। माँ को अपने बच्चे को तब तक दूध पिलाना चाहिए जब तक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए। 6 महीने की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। प्रसव के बाद जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल पीला गाढ़ा दूध जो प्रसव के बाद के पहले कुछ दिनों में स्तनों में आता है, उसे शिशु को दिया जाना बेहद जरूरी होता है। पहले 6 महीनों की आयु के दौरान केवल माता का दूध ही दें। कुछ महीनों के बाद माता के दूध के अलावा अन्य पूरक भोजन देना शुरू कर सकते हैं। माँ का भोजन भी संतुलित हो। जन्म के बाद के पहले 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध ही दिया जाता है, इसलिए माँ जो भी खाना खाती है उसका असर बच्चे के पाचन पर भी होता है, इसलिए माँ को अपने भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए और ज्यादा तला भुना व मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जिन चीजों से पेट खराब होने की संभावना हो उनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऐसे समय में माँ को दूध, दही, दाल, हरी सब्जियां, फलों आदि का सेवन आहार में शामिल करना चाहिए। इतना बुरा नहीं है शिशु का रोना। बच्चा जब तक रोता है तो माँ अक्सर यह समझती है कि उसका बच्चा किसी तकलीफ में है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। रोना बच्चे के लिए एक अच्छा लेसन होता है। हाँ, उसके रोने पर उसे मारना या डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से चुप करवाना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा अधिक रो रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। मालिश जरूर करें। नवजात शिशु की देखरेख की बात करें तो मालिश इसका सबसे मुख्य भाग है। बच्चे की मालिश सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। मालिश से बच्चे का शारीरिक विकास होता है और उसकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। बच्चे की मालिश करते समय ज्यादा जोर ना लगाएं। बच्चे की मालिश हमेशा हल्के हाथ से करनी चाहिए। जोर लगाकर मालिश करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। मालिश के लिए जैतून का तेल, बादाम का तेल या बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं। शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए मालिश जरूरी है। इससे शिशु की थकान दूर होती है और उसके अंगों की गतिविधियां भी बढ़ती हैं। शिशु के साथ माँ की भी मालिश जरूरी है। इससे उसके शरीर का दर्द दूर होता है। नहलाने के लिए प्रयोग करें गुनगुना पानी। नवजात शिशु को नहलाने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें। ध्यान रहे कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। नहलाने के लिए सॉफ्ट साबुन का उपयोग करें। ठंड के दिनों में शिशु को रोज नहलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में बच्चे को रोज नहलाएं ताकि उनको भी आराम मिले। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। बच्चे के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बिस्तर को साफ रखें। उसको हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहनाएं। समय समय पर उसके कपड़े को बदलते रहें। बिना हाथ धोए शिशु को कतई ना छुएं। पहले के समय में घर के बड़े बुजुर्ग इस बात का खास ख्याल रखते थे कि माँ व शिशु को
किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो। इसके लिए माँ व शिशु को एक साफ सुथरे कमरे में रखा जाता था। वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। उस कमरे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कोई भी परिवार का सदस्य वहाँ बिना हाथ पैर धोए नहीं जाता था। साथ ही उसे अपने चप्पल या जूते कमरे के बाहर ही उतारने होते थे। यह सारी सावधानियां शिशु व माँ को होने वाले संक्रमण से बचाती थी। आज के समय में भी आप इन नुस्खों को अपनाकर बच्चे को संक्रमण से बचा सकते हैं। जिस कमरे में माँ व शिशु को रहना हो, वो कमरा मच्छरों व कीड़े मकोड़ों रहित होना चाहिए। उस कमरे में सफाई रखने के लिए सुबह शाम कीटनाशक मिलाकर पोछा मारना चाहिए। वैक्सीनेशन, बच्चे को सही समय पर वैक्सीनेशन दे। बच्चे के जन्म के समय ही वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ले लें। इस जानकारी में जन्म से लेकर कब कब कौन सा टीका लगवाना है, यह पूरी जानकारी होती है। अगर बच्चे के जन्म के समय आपको वैक्सीनेशन के बारे में सही जानकारी नहीं मिली है, तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा लें। बच्चे को गोद में लेते समय ध्यान रखें। बच्चे को उठाते समय उसके शरीर के नीचे जरूर हाथ रखें। बच्चे की गर्दन बहुत कमजोर होती है, ऐसे में अगर उसे उठाते समय जरा भी असावधानी बरती जाए तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। ऐसे में माँ अपने बच्चे को गोदी में पकड़कर अपने आप को दोषी मानने लगती थी, लेकिन यह सब सही नहीं है, बल्कि बच्चे की जरूरत समय पर पूरी होने से वह आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। नवजात शिशु को संक्रमण से बचाए। छोटे बच्चे की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए उनको संक्रमण से बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उन्हें छूने से पहले हाथ को साबुन से धोएं। सामान्य सी गलती बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने बच्चे के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का गहरा असर आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बोतल से दूध ना पिलाएं। नवजात शिशु की देखरेख से जुड़े तथ्यों में यह बताया जाता है कि बच्चे को बोतल से दूध ना पिलाएं। कई बार देखा गया है कि माँ अपने समय को बचाने के चक्कर में सोते समय बच्चे के मुंह में बोतल लगा देती है, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके साथ ही बोतल से दूध पीने से बच्चे को पेट से जुड़ी बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। डायपर यूज, सोते समय कई बार बच्चे पेशाब कर देते हैं, जिससे गीलेपन के कारण उनकी नींद कई बार खुल जाती है। ऐसे में आप बच्चे को डायपर पहनाकर सुला सकते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी हो तथा वो आराम से सो सके। संगीत गुदगुदाता है बच्चे को। हल्के संगीत से बच्चे को बहुत आराम मिलता है, यहाँ तक कि रोते हुए बच्चे इससे शांत हो जाते हैं और कई बार तो बच्चे इसको सुनते सुनते सो जाते हैं। इसके लिए आपको बच्चे के साथ कुछ गुनगुनाते रहना चाहिए। सचेत रहें और खतरों को पहचानें। यदि शिशु में कोई खतरे के चिन्ह दिखाई दें, तो तत्काल उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से शिशु को बहुत सारे लोगों को उठाने ना दें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी ना ले जाएं। अतिसार और खांसी जैसे संक्रमणों से ग्रस्त लोगों को भी बच्चे से दूर रखें। अभी आपने जाना नवजात शिशु की देखरेख के बारे में, तो बस देर किस बात की। आज ही इन नुस्खों को अपनाएं और अपने शिशु को स्वस्थ रखें।